विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की राजनीति शुरू हो गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को ही निशाना बनाया जा रहा है। इस मामले में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी का गंगा बैराज में आगमन हुआ। वहाँ पर परशुराम सेना के जिलाध्यक्ष राहुल त्रिपाठी ने उनका स्वागत किया। अखिल ब्राह्मण महासभा का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पनकी में अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें, खुशी दुबे विकास दुबे के खास गुर्गे अमर दुबे की पत्नी है। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष महोबा के कारोबारी इंद्रजीत त्रिपाठी के परिजनों के साथ भी मुलाकात करेंगे। मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि 2022 में योगी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में ब्राह्मणों की लगातार हत्याएं हो रही हैं। ब्राह्मण हत्यारी योगी सरकार के कुकृत्यों के आहत खुशी दुबे के पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा हूँ और उसके बाद वहाँ से महोबा जाऊँगा, जहाँ इंद्रकांत तिवारी जी की वहाँ का कप्तान ने हत्या कराया है, उस पीड़ित परिवार से भी मिलने जा रहा हूँ। क्या आप मानते हैं कि योगी सरकार में ब्राह्मणों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं? मानना है क्या, वो तो पूरा उदाहरण है। और जहाँ भी प्रदेश में ब्राह्मण के साथ बदले की भावना से जुर्म जाति अत्याचार किया जा रहा है, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रहा के जांबाज कार्यकर्ता पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में जुटे हैं। वहीं मेरे ही कार्यालय पर, उत्तर प्रदेश के कार्यालय पर, मेरे परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष पर प्राणघातक हमसे हमारे संगठन के लोग ज्ञापन दे रहे हैं न्याय के लिए, लेकिन ये ब्राह्मण विरोधी योगी सरकार जो है न्याय नहीं दे रही। तो मेरे साथ अगर इस तरह से हो रहा तो खैर कोई परवाह नहीं, हमारे समाज के लोग, हमारे संगठन के लोग संगठित हो रहे हैं और संगठित होकर के अपनी सुरक्षा और अपना न्याय लेने का और अधिकार लेने का कार्य करेंगे। आपने कहा योगी सरकार न्याय नहीं दे रही, अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा तो आगे आपका क्या कदम होगा? हम संघर्ष करेंगे और इनको जमींदोज करेंगे। 2022 के बाद पुनः इस देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ पाना असंभव है। जब जब ब्राह्मण डोला है।